नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर जिले के देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग पर चल रहे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर हुए हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत और छह अन्य महिलाओं के घायल होने पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए जाँच कराकर दोषी ठेकेदार और उनके साथियों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही। साथ ही उन्होंने सेतु निगम द्वारा बनाए जा रहे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर मृतक महिला और घायलों के परिजनों को उचित मुआवजे की भी मांग की बात कही। जैसा कि आपको बता दें कि ठेकेदारों द्वारा गरीब महिलाओं से जबरन ओवरटाइम काम कराया जा रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। तो वहीं घायल महिलाओं के परिजनों ने संबंधित ठेकेदार पर घोर लापरवाही बरतने की आरोप भी लगाए थे और उन्होंने ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अब देखना यह होगा ऐसी लापरवाह ठेकेदारों पर प्रशासन क्या कार्यवाही अमल में लाता है, जिससे कि गरीब मजदूर महिलाओं को न्याय मिल सके एवं कंपनी द्वारा भी उचित मुआवजा मिल सके तथा फाइलों तक ही सिमट कर नहीं रह जाए। तो वहीं ललितपुर अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए क्या कहा, देखिए ललितपुर लाइव टीवी इस रिपोर्ट में। लैंड मशीन पलटने से 8 श्रमिक घायल हो गए, एक महिला श्रमिक बिमला देवी की मृत्यु हुई, जिसके कारण जो है श्रम विभाग द्वारा 50,000 रुपये मृतका के परिवार को दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा और ज़्यादा धनराशि देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। अगर कोई दोषी है, कोई लापरवाही के कारण एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए अलग से जाँच करके कार्रवाई की।